सो गुड मॉर्निंग एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यू पी एस सी सी एस सी सो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं द टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस इन टूडेज़ द हिंदू एनालिसिस सो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं एडिटोरियल uh, में ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज है वेस्ट एशिया के ऊपर है उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड है और आधार है तो एडिटोरियल के टॉपिक्स हैं बाकी दूसरे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अलग अलग पेजेस में आपके पब्लिश uh, हुए हैं सो दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस ट्राई टू अंडरस्टैंड तो पहला एशिया कनेक्टिविटी को ये एक कंसेप्ट है वो भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे एशिया कनेक्टिविटी और वेस्ट एशिया दोनों ही टॉपिक्स आपके इंटरनेशनल रिलेशन के हैं श्रीलंका का इम्पॉर्टेंस और यूनाइटेड नेशन जो आपका ह्यूमन राइट काउंसिल है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये भी आई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक हो जाता है ये टॉपिक आपका पॉलिटी के ऊपर है ये भी आपका पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक बनता है यूएस चाइना है और फिर आखिर में, में मेंस का प्रश्न है आज के मेंस में आई विल गिव यू ऐसे टॉपिक मतलब ऐसे का एक टॉपिक है आप उसको लिख सकते हो पूरे वीक में एटलीस्ट एक ऐसे ट्राई कर सकते हो तो आज हमने पहला जो है मैंने आप आ, के लिए एक ऐसे एक ऐसे का टॉपिक इंक्लूड किया है आप इसको लिख सकते हो अराउंड इलेवेन हंड्रेड वर्ड्स में आपको लिखना है तो वीक में एक अगर ऐसे लिखोगे तो वो भी ठीक है सो uh, so आज का जो बेस्ट टॉपिक है दिस इज रिलेटेड विथ एशिया कनेक्टिविटी या वर्ल्ड कनेक्टिविटी ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर वर्ल्ड कनेक्टिविटी हम इस्टबलिश करते हैं तो इसके uh, क्या बेनिफिट्स है कैसे अलग अलग जो हर्डल्स हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग वी विल ट्राई टू डेवलप है ना बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे हर्डल्स होते हैं जिस वजह से कनेक्टिविटी भी आपकी नहीं हो पाती है तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आज का सबसे अच्छा टॉपिक है सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज़ सौरभ पांडे अगर आप आई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं ये सारे सब्जेक्ट है हिस्ट्री है इकोनॉमी है उसके बाद एनवायरमेंट है आर्ट एंड कल्चर है ये सारे सब्जेक्ट तो इन सारी सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस अन अकेडमी में है अवेलेबल हैं बैच कोर्सेस हैं मतलब टॉप एजुकेटर्स एक एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं मेरे द्वारा भी जी सीरीज ली जाएगी अप्रैल फिफ्टीन से ये 2021 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो डेढ़ साल के टॉपिक्स हैं इन एरिया से जोग्राफी एनवायरमेंट साइंस के एरिया से ये कंबाइंड कोर्स है तो ये इसके टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिलिम्स 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएफएस का एग्जाम साथ में आपका होता है इसलिए इन एरिया से बहुत अधिक 40 प्लस प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं आ, इसमें अगर आप एग्रीकल्चर भी इंक्लूड कर ले सो तो इसमें यह कवर किया जाएगा इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी आपका शुरू हो रहा है बैच कोर्सेज भी बहुत सारे 2022-23 के लिए एन बैच कोर्सेज वन ईयर टू ईयर बैच कोर्सेज हिंदी इंग्लिश पाईलैंग्वल तो ये सारे अवेलेबल है अन में आपको जाना है अनकेडमी उसके बाद यू हैव टू सेलेक्ट यू पी एस सी सी सेलेक्ट करना है जब कोड पूछे राइट डाउन दिस कोड दैट इज एस पी एल आई वी ई कोर्ड जैसे ही आप डालोगे अमाउंट विल रिड्यूस बाय टेन उस ड्यूरेशन में आपको कोई भी कोर्स सेपरेटली नहीं करना है उस ड्यूरेशन में आप मेरे कोर्सेज प्लस जितने भी बैच कोर्सेज दूसरे इंडिविजुअल कोर्सेज सब आपके लिए अवेलेबल होंगे तो ऑप्शनल भी आप साथ में ले सकते हैं अन अकेडमी कॉम्बैक्ट का हिस्सा जरूर से बने आपके पास मौका है स्कॉलरशिप जीतने का यूज द कोड एसपीएल और इसका आप हिस्सा बन सकते हैं ट्वेंटी मार्च को एट इलेवन ए शुरू करते हैं पहला जो टॉपिक है जो फर्स्ट टॉपिक है अगेन रिलेटेड विथ द कनेक्टिविटी पार्ट पाकिस्तान और इंडिया के जब आप रिलेशन की हम बात करते हैं तो उस कंटेक्सट में भी एक जो इम्पोर्टेंस है कनेक्टिविटी का वो बहुत अधिक आपका बढ़ जाता है ठीक है तो यहाँ पे अगर कनेक्टिविटी इफ़ वी आर इंश्योरिंग अगर कनेक्टिविटी अगर हम इंश्योर कर रहे हैं चाहे वो नॉर्थ अमेरिका यूरोप में जिस तरह की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है इसके अलावा अगर हम ऐसी स्थिति क्या ला सकते हैं Uh, क्या ऐसी स्थिति हम uh, एशिया में भी ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? ये बहुत जरूरी है अब कनेक्टिविटी जब आप इस्टेब्लिश करते हो तो उसमें बहुत से इश्यूज आते हैं ठीक है तो यहाँ पे एक जो एक मतलब हम इंडिया पाकिस्तान के बहुत सारे डिस्प्यूट के बारे में वी हैव डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल बहुत डिस्कशन उस पर हमने किया है लेकिन एक जो पॉइंट है कि क्या अगर इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है ये थिंकिंग आपको देखो ब्यूरोक्रेटिक रूप में सोचनी है क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सके क्योंकि आप लोग फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं तो यहाँ पे किस उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सके उस डायरेक्शन में एक थॉट प्रोसेस हम लोग कैरी कर वहाँ पे अभी इसको डिस्कशन करेंगे तो इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो बहुत से रीज़न्स हैं डिस्प्यूट का सर्क्रिक इशू है कश्मीर इशू है सो कश्मीर इशू है लेकिन कहा गया कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच का रिलेशन सुधरता है या अच्छा होता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एशियन कनेक्टिविटी को इस्टैब्लिश करने के लिए ठीक है इसको बहुत ध्यान से समझना एक नया एरिया है कई बार मैंने वैसे डिस्कस भी किया है तो एशियन कनेक्टिविटी को इस्टैब्लिश करने के लिए अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये आपका इंडिया है।, है ये इंडिया है अगर आप यूरोप की बात करो जैसे ये आपका यूरोप है इनके बीच में आपस में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है पहले जो वॉर्थ होता था वो वॉर के पीछे क्या रीज़न था वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू ये था कि सब अपना अपना डोमिनेंस मेंटेन करना चाहते थे इसलिए कॉलोनियलिज्म uh, और बहुत सारे अपना जो पावर उन्होंने डेवलप uh, किया उस बेसिस में फिर वो वॉर वॉर लड़े बहुत से यूरोपियन देश उस वॉर का अलग अलग uh, मतलब कोई फॉर uh, अगेंस्ट में एक दूसरे के थे सो so, इन्होंने प्रयास किया और प्रयास कि, uh, करके इन्होंने आ, ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिससे कि एक स्टैब्बलिश कनेक्टिविटी हुई ट्रेड को फैसिलिटेट किया गया पीपल टू पीपल मूवमेंट को फैसिलिटेट किया गया तो ये रीजन पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो ये रीजन काफ़ी डेवलप कर गया इसी तरीके का प्रयास और जगहों में भी हो रहा है जैसे इस इलाके में भी जो आसियान है ऑल दो वहाँ फिजिकल कनेक्टिविटी तो नहीं बट इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का प्रयास किया जा सकता किया जा रहा है अब बात आती इस पूरे इलाके में इस इलाके में अगर सपोज़ करो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो टेंशन है अगर वो टेंशन दूर होता है तो इंडिया अगर सपोज़ करो कि अगर ये दूर होता है तो एक तो ये जो इंडिया की कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशिया और बियॉन्ड तक जा सकती है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए भी अभी फ़िलहाल इंडिया को क्या करना पड़ता है यहाँ से और ये एक लंबा रूट लेकर जाना पड़ता है जो कि कोई भी ट्रेड अगर वो करते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है कुछ इंपोर्ट करते हैं वो कॉस्टली पड़ता है कुछ एक्सपोर्ट करते हैं वो कॉस्टली पड़ता है कॉम्पिटेटिव डिसएडवांटेज रहता है तो पूरा अगर जैसे सार्क जैसी संस्थाओं को आपको रिलिवेंट बनाना है इस पूरे रीजन का डेवलपमेंट आपको करना है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो इस जगह से कनेक्टिविटी आपको इस्टैब्लिश करनी पड़ेगी तो कनेक्टिविटी इस्टैब्लिस करने के लिए ज़रूरी क्या है कि डिस्प्यूट पहले ख़त्म करना अगर जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे परिवार के अंदर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं कि आप मतलब कई लोग ये सोचने लगते हैं कि नहीं हम इनके घर नहीं जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं हैं इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया ये सब बातें होती है तो आपस में दोबारा से अच्छे रिश्ते हो पाएँ एक दूसरे के घर जाएं फैमिली के अंदर जो भी जितने भी आ, जो भी आपका कन्फ्लिक्ट उसको दूर करते हुए एक दूसरे के घर जाएं और एक दूसरे के घर जाएं दूसरे की मदद करें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं ये कब हो सकती हैं जब आपस का मनमुटाव दूर होता है यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की जब बात करते हो मतलब इन जनरल अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो बहुत सारे इश्यूज़ तो हैं लेकिन एक जो एंगल हाईलाइट किया जाता है कि उन ईशूज़ को अगर आप रिजॉल्व नहीं करते हो तो जो हम एशिया की कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे उस पर हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं ये एक एंगल आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट है ये एक टॉपिक है वो है सिविल वॉर सिविल वॉर जो कि श्रीलंका के अंदर हुआ था सिविल वॉर जो श्रीलंका तमिल्स और तमिल्स और श्रीलंकन आर्मी के बीच में आपका जो सिविल वॉर हुई थी और इस सिविल वॉर की जब हम बात करें तो इससे काफ़ी सारे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ था खास तौर से जो तमिल्स हैं वो काफ़ी अट्रोसिटीज़ उन्होंने फेस किया और इस वजह से श्रीलंका में एक ह्यूमन राइट वायलेशन का रिजोल्यूशन भी चल रहा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में और इंडिया अगर श्रीलंका के खिलाफ वोट कर दे तो श्रीलंका काफ़ी अधिक प्रॉब्लम में भी आ सकता है मतलब एक फॉरन क्योंकि इंडिया एक पावरफुल कंट्री है तो श्रीलंका को काफ़ी सारे इशूज़ भी फेस करने पड़ सकते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका श्रीलंका है ये श्रीलंका है और श्रीलंका का इम्पॉर्टेंस भी बहुत अधिक है इस रीजन में चाइना यहाँ पे लगातार प्रेजेंस अपना बना रहा है हाल में ही कोलंबो पोर्ट से इंडिया और जापान को श्रीलंका ने हटाया जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है वहाँ से हटाया बाद में न्यूज़ आई कि उन्होंने दे दिया लेकिन वो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल में दिया ईस्ट कंटेनर टर्मिनल और वेस्ट कंटेनर टर्मिनल दोनों ही कोलंबो पोर्ट का हिस्सा है दोनों ही कोलंबो पोर्ट का हिस्सा बट ईस्ट कंटेनर टर्मिनल में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटजिक लोकेशन है तो यहाँ पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल में उन्हें बहुत अधिक पैसा खर्च करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा तो यहाँ पर ये यह सब बातें हो रही है चाइना का अगर प्रेजेंस होता है श्रीलंका में तो बहुत क्लोज हो जाएगा इंडिया के बहुत अधिक क्लोज हो जाएगा और ओवरऑल फिर इंडिया को भी ह्यूज डिसएडवांटेज हो सकता है अब ऐसी सिचुएशन में अगर जैसे रामेश्वरम से भी 45 किलोमीटर दूर दो आइलैंड्स है वो चाइना को चाइना की एक कंपनी है उस कंपनी को दिया गया मतलब एनर्जी से रिलेटेड ही एरिया में जो हाइब्रिड एनर्जी डेवलप करना मतलब जो रिनीबल एनर्जी है उसको डेवलप करने के लिए दिया गया ये एरिया दिया गया अब ये भी इंडिया के काफ़ी क्लोज है इंडिया के लिए भी की बात है तो श्रीलंका अगर इंडिया के इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है तो इंडिया श्रीलंका के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा यहाँ पे अगर श्रीलंका बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहा है कि ठीक है हम आप का ध्यान में रखेंगे इंटरेस्ट तो इंडिया भी ध्यान में रखेगा ऑल इंडिया ने कहा है कि जो भी स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया के द्वारा जो मतलब इंडिया के द्वारा वो श्रीलंका के अगेंस्ट नहीं होंगे अभी अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में भी इलेक्शन आने वाले हैं अगर इस चीज़ को भी समझो आप तो यहाँ पे तमिल्स पॉपुलेशन तमिलनाडु में ही वही वोटिंग सारा डिसाइड करते हैं ये इशू अगर यहाँ पे दो डिलेमा है दो डिलेमा सरकार के पास है एक डिलेमा क्या बनता है कि अगर यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट काउंसिल है वहाँ जो वोटिंग होनी है अगर श्रीलंका के खिलाफ वोट किया जाता है तो इसमें तमिल्स तमिलनाडु में उसे इलेक्शन में फ़ायदा होगा अगर अगेंस्ट में श्रीलंका के वोट करता है इंडिया अगर वोट करता है श्रीलंका के अगेंस्ट तो यहाँ पे अगर अगर देखा जाए कि फॉर एग्जांपल एक तरफ तो ये है कि अगर, अगर जो भी श्रीलंका के अगेंस्ट वोट किया जाए तो उसको तमिलनाडु के इलेक्शन में फ़ायदा होगा और अगर श्रीलंका के फेवर में वोट किया जाए इट मीन्स रिजोल्यूशन में श्रीलंका के खिलाफ जो रिजोल्यूशन है उसमें वोट ही ना करे भारत श्रीलंका के फेवर में uh, इंडिया रहे तो वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे uh, इंडिया को फायदा रहेगा श्रीलंका uh, में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में इंडिया की मदद मिलेगी लेकिन uh, इंडिया को मदद मिलेगी लेकिन तमिलनाडु में जो तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर uh, जो प्रेजेंट पोलिटिकल पार्टी है प्रेजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है जो पावर में है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको नुकसान हो सकता है तो यहाँ पे क्या डिसीजन लिया जाए या तो इसको डिले किया जाए या फिर पूरे तरीके से पार्टिसिपेट ही ना किया जाए इस वोटिंग में तो ये दोनों ही चीज़ें लेकिन अगर पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं फिर भी जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसको तमिलनाडु के अंदर इलेक्शन में नुकसान हो सकता है तो ये कुछ एक पॉलिटिकल डायनेमिक्स भी है दूसरा हमें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में जानना है तो ये जो काउंसिल है ये क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा फिफ्टींथ मार्च टू एक रिजोल्यूशन है जिसका नंबर है रिजोल्यूशन टू सिक्सटी तो ये रिजोल्यूशन नंबर याद नहीं रखना बट कब क्रिएट की गई है ये आपको याद रखना है मार्च फिफ्टींथ मार्च टू इसका पहला सेशन आपका जून टू के अंदर हुआ था और इसने बाद में इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पैकेज ये आ, अडॉप्ट किया अब देखो ये आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज न्यूज में था ये किससे रिलेटेड है तो आपको याद रखना है कि ये रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से रिलेटेड है कि वो कैसे फंक्शन करेगा वो सारा गाइडलाइन इसके अंदर दी गई है तो ये प्रिलिम्स में प्रश्न आपके लिए बन सकता है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज ये किससे रिलेटेड है ह्यूमन राइट काउंसिल की बात की जाए इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी अच्छा इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब क्या होता है कि अलग अलग जो देश है वो इसका हिस्सा आप क्या रहते हैं

ये जो काउंसिल है इसके लगभग 47 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं जो कि रन करते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को और ये इलेक्ट होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा तो यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल इसने रिप्लेस किया यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट इस चीज को इसने रिप्लेस किया जो अभी प्रेजेंट फॉर्म का ह्यूमन राइट काउंसिल है ये आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रोरल बॉन्ड तो इलेक्ट्रोरल बॉन्ड के बारे में हमने लगातार डिस्कशन किया हुआ है कुछ नए पॉइंट्स भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी का ये टॉपिक बन जाता है यहाँ पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाएगा तो वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है खासतौर से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्या प्रोसीडिंग होती है जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई है अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करना चाहते हो आप जाओगे एसबीआई में यहाँ से इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदोगे वो जाके किसी पोलिटिकल पार्टी को दोगे आ, या है ना कोई भी पोलिटिकल पार्टी कोई भी कल पार्टी आपकी है उसको वो आप आ, वोटिंग आ, मतलब जिसको आप फाइनेंस करना चाहते हो कोई इंडिविजुअल है कोई ऑर्गेनाइज़ेशन फाइनेंस करना चाहते हो तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदेगी इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद के उस पार्टी को देगी पार्टी जो भी ऑफिस है पार्टी बैंक के पास जाएगी बैंक को दोबारा से वो बॉन्ड देगी और जितने अमाउंट का वो बॉन्ड होगा उतना अमाउंट बैंक एक अकाउंट एक में ट्रांसफर कर देगा ये अकाउंट अप्रूव्ड रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तो ये एक प्रोसीडिंग है जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल की जाती है अब यहाँ पे कहा गया कि इसमें काफ़ी लूफोल्स है जैसे इससे ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जा सकता है क्योंकि जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं की जाती है इसमें ये भी कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है कि वो रिवील करें जिसने भी फाइनेंस किया उसको रिवील करे पॉलिटिकल पार्टी का कहना कि हमारे पास वो डेटा नहीं है कि किसका क्योंकि वो डेटा एस के पास है लेकिन अगर रूल बन जाए तो ये आसानी से किया जा सकता है एस के पास तो वो डेटा होता ही है कि किसने कितना क्या बॉन्ड खरीदा है और किस पार्टी के लिए वो बॉन्ड खरीदा है सो एक लिमिट रखी गई पहले बीस हजार रुपये की रखी गई कि अगर बीस हज़ार से कम मतलब बीस हजार से ज़्यादा का बॉन्ड है तो उस पर जो आइडेंटिटी है वो रिवील की जाएगी फिर इसको रिड्यूस करके दो हज़ार की गई दो हज़ार

अनचेक्ड अननोन फंडिंग टू पार्टीज मतलब जो जिसने भी वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड बाय किया उसकी आइडेंटिटी को रिवील ना करना अगर सपोज करो आइडेंटिटी रिवील भी होती तो इसका नुकसान ये होता है कि जिसने भी सपोज uh, करो कि एक कोई कंपनी है जिसने एक पोलिटिकल पार्टी को पैसा दिया है दस करोड़ रुपए अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि इस कंपनी ने इसको या इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इतना पैसा दिया है दूसरी पोलिटिकल पार्टी जब पावर में आएगी तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है तो ये सब रोकने के लिए या ये सब ना हो इसके Dziękuję. ये प्राइवेसी आपकी मेंटेन करना पड़ता है आइडेंटिटी रिवील नहीं करना पड़ता है लेकिन ये कहा गया जैसे इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर डेटेड 26 2017 और आरबीआई ने भी ये अलग अलग लेटर्स में इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया है और ये कहा है कि हो सकता है कि जिस एम के साथ इस स्कीम को लाया गया वो एम अचीव ना हो और मेनली जो आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी तो इससे कई सारे टैक्स से रिलेटेड भी कई इश्यूज आएंगे और ब्लैक मनी को वाइट करने का भी प्रयास किया जा सकता है जो कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड होती है बाय एनी एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड विल बी एक्जेप्ट फ्रॉम इनकम टैक्स तो ये इनकम टैक्स से भी उसे एग्जेम्पन मिलता है अगर किसी ने फंडिंग की पॉलिटिकल पार्टी को तो वहां पे इनकम टैक्स भी से भी एक्जन एक पर्टिकुलर लेवल तक का आपका मिलता है तो ये कुछ बातें अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो देखने वाली बात है अगर बेनिफिट्स देखे जाएं ओवरऑल अगर आप बेनिफिट देखो तो कहा क्या मतलब कहा क्या गया है कि नेगेटिव पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया लेकिन अगर सरकार ने सोचा है कि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम लेकर आना चाहिए तो इसके बेनिफिट्स क्या है तो वो भी आपको आइडिया होना चाहिए कहा गया कि जो पॉलिटिकल डोनेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी आप एसबीआई के पास जाओगे खरीदोगे चेक ड्राफ्ट और इनके थ्रू आप उसको खरीद सकते हो आपका पूरा आइडेंटिटी जो बैंक है उसके पास आपकी रहेगी तो यहाँ पे पॉलिटिकल डोनेशन में ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी लेकर आया जा सकता है ये कहा गया जो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी लेकर आया जा सकता है हाउ मच फंडिंग कम्स व्हाट काइंड इट इज द सोर्स ऑफ फंडिंग वेयर इट विल बी स्पेंड विल बी नोन ये चीज भी जानी जा सकती है इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जब आप बात करते हैं नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द रिसिपियन विल बी इंश्योर पीपल्स आर फ्री टू डोनेट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई भी रिसिपेंट है वो रिसिपेंट की आइडेंटिटी को अगर आप रिवील नहीं करते तो ये क्या ये हेल्प करेगा कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हो अगर आइडेंटिटी रिवील होगी तो इसमें सबसे बड़ी वही प्रॉब्लम है कि बाद में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो जो कंसर्न पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है या उसको उसको नुकसान पहुँचा सकती है दूसरा ये है कि जो आइडिया ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम द कैश सिस्टम कैश सिस्टम क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पहले अगर पैसे देने की भी बात की जाती थी तो वहाँ पे मेनली uh, कैश में पैसा देने का रहता था अब यहाँ पे आप बैंक गए इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा उस पैसे को बैंक को डिपॉजिट किया पॉलिटिकल पार्टी uh, को उस बॉन्ड को दिया बॉन्ड uh, को पॉलिटिकल पार्टी ने बैंक को दिया पैसा उतना अकाउंट में ट्रांसफर हुआ तो ये जो कैश सिस्टम उससे हम मूव कर रहे हैं Uh, ये कुछ पॉइंट्स है तो ये ये आपको ध्यान में रखना दीज आर फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जो कि आपके हाईलाइट किए जाते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है दिस इज रिलेटेड विद द वेस्ट एशिया वेस्ट एशिया में भी काफ़ी ज़्यादा एक डेवलपमेंट आपका होता रहता है और अभी क्योंकि जो यू है यू के अंदर जो रिजीम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रिजीम चेंज की वजह से जो भी रिजीम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस वजह से वी कैन से वेस्ट एशिया के अंदर भी काफ़ी अधिक डेवलपमेंट हो रहा है क्या क्या कदम उठाए जाएंगे जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं यू के तो उससे भी काफ़ी अफेक्ट देखने को मिलेगा वेस्ट एशिया के अंदर सो so, इसी कंटेक्सट में ये आर्टिकल है इन्होंने ओपिनियन दिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो बिडेन को फेस करना चाहिए तो देखो कभी भी हम जो पढ़ते हैं वो स्पेक्यूलेशन और एजम्पन पर क्या कर सकते हैं इस पर कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनता कि जॉब बिडन क्या कर सकते हैं लेकिन कुछ आर्गुमेंट जो इसमें दिए हैं चार पांच पॉइंट्स वो हमारे काम के वो हम लोग डिस्कस करेंगे बट कभी भी एजम्पन और ये हो सकता है ऐसा हो सकता है या कोई अपना सिर्फ ओपिनियन दे रहा है तो वो इतना वर्क नहीं करेगा मतलब अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हैं सो वेस्ट एशिया की अगर बात की जाए तो वेस्ट एशिया इम्पॉर्टेंट है बट ये वेस्ट एशिया की जो इंपॉर्टेंस है वो आपकी रिड्यूस भी हो सकती है इसका रीजन क्या है इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसके पास वेल्थ है जिसे हम कहते हैं ऑयल का अगर 2050 तक बात की जाए या 20 अभी भी अगर आज से दस साल की भी अगर आप बात करोगे तो कंट्रीज धीरे धीरे स्विच कर रही हैं टूवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यबल सोर्स की तरफ रीनबल सोर्स की तरफ जो कंट्रीज uh, हैं वो स्विच कर रही हैं अगर रीनबल सोर्स की तरफ स्विच करेंगी तो वो ऑयल खरीदेंगी नहीं ऑयल अगर खरीदेंगी नहीं तो क्या होगा कि ये जहाँ से वेल्थ जनरेट करते हैं वो जनरेट नहीं कर पाएंगे इनकी इंपॉर्टेंस रिड्यूस हो जाएगी पहले तो ऑयल के लिए ही सब इस जगह पे अपने प्रेजेंस को इंक्रीज करना चाहते थे चाहे वो यूरोपियन देश हो चाहे वो आपके यूएसए हो सब इस रीजन में अपने आ, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते थे कि जो रिसोर्सेस हैं उन पर उनका कंट्रोल हो अब क्योंकि इस रीजन में जो इंपॉर्टेंस इस रीजन की थी कि यहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है अब वो इंपॉर्टेंस इतना नहीं है और हो सकता है फ्यूचर में रिड्यूस होती चली जाए अभी है लेकिन कुछ समय के लिए लेकिन फ्यूचर में जो ऑयल कंजम्पशन है वो रिड्यूस होता चला जाए इस रीजन का जो इंपॉर्टेंस है वो आपकी खत्म होती चली जाए ऐसे सिचुएशन में पूरा का पूरा जो डायनेमिक्स है वेस्ट एशिया का वो बदल सकता है जैसे इंडिया अगर इंडिया की अगर आप बात करो तो इंडिया अगर ऑयल की कंजम्पशन को रिड्यूस करती है और रीनबल एनर्जी की तरफ या फिर फॉर एग्जांपल बैटरी कार्स सपोज करो बैटरी कार्स बनाई जा रही है टेस्ला कंपनी आ रही है तो वहां पे उसको अपना रिलेशन साउथ अमेरिका के साथ अच्छा करना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छा करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में भी लिथियम का ह्यूज रिजर्व है और यहां पर भी कई कंट्रीज हैं बोलीविया चिले अर्जेंटीना ब्राजील इन यहां पर लिथियम के अच्छा रिजर्व है तो फिर उसे अपने फॉरन पॉलिसी में ट्रांजिशन करना पड़ेगा भारत जैसे देश से बहुत सारे लोग जाते हैं या कार्य करते हैं काम कहाँ करते हैं ऑयल रिफाइनरीज में काम करते हैं ऑयल रिफाइनरीज में काम करते हैं अब जब वो जाके ऑयल रिफाइनरी में अब ऑयल रिफाइनरी में जब डिमांड ही नहीं होगी तो ऑयल रिफाइनरीज इतनी रन नहीं होंगी तो जितना आ, जितने लोग जा रहे थे वो भी कम जाएंगे और प्लस जो रेमिटेंसेज भारत में आ रहे थे वो भी कम हो जाएंगे तो ये सब डेवलपमेंट देखने को मिलेगा लेकिन अगर यूएसए के कंटेक्स्ट में देखा जाए अगर यूएसए की बात की जाए तो पहले बैरक ओबामा थे डोनाल्ड ट्रंप आए तो सभी ने अपनी एक पॉलिसी रखी है वेस्ट एशिया को लेके ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था जिसमें फिर आ, देखा जाए तो एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया था 2015 में जे जिसे हम कहते हैं जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जिससे कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके और ये था कि इसराइल के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं जैसे यहाँ पर यह इज़राइल आपका है तो यहाँ ऑलरेडी उसके पास न्यूक्लियर वेपन है और ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेता है तो जो मोनोपोली है इसराइल की न्यूक्लियर वेपन को लेके वो आपका रिड्यूस हो सकती है अगर ईरान की बात की जाए अब दूसरा जो ये था कि यहाँ पर दो पोल्स ऑफ पावर है एक तरफ आपका सऊदी अरेबिया है दूसरी तरफ ईरान है सऊदी अरेबिया सुन्नी डोमिनेटेड है वो सुन्नीस को रिप्रेजेंट करता है और ईरान की बात की जाए वो शियाज डोमिनेटेड वो शियाज़ को रिप्रेजेंट करती है तो शिया शिया की पॉपुलेशन जिस जगह पे है वहाँ पे आ, वो ईरान को मानते हैं जहाँ पे सुन्नी पॉपुलेशन अधिक है वो सऊदी अरेबिया को मानते हैं सीरिया में भी यही प्रॉब्लम है यही सेम सा इशू वहाँ भी है कि जो रिबेल हैं वो सुन्नीज हैं और जो सरकार है वो शिया है तो ईरान भी जो सरकार की, की सपोर्ट आपकी कर रही है सऊदी अरेबिया रिबेलिन का मदद कर रही है और जो यू है यू को आपको अप, अपने हथियार बेचने हैं तो वो सऊदी अरेबिया के फेवर में है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हथियार यू से सऊदी अरेबिया ख़रीदता है दूसरा ये है कि इस जगह पर जितना अधिक टेंशन होगा इतना जो डिफेंस लॉबीज़ हैं यू जैसे देश में वो उतना अधिक यहाँ पर हथियार जो है वो बेच पाएंगे तो बहुत सारे ऐसे डायनेमिक्स जो समझने वाली बात है और जो यहां टेंशन से जैसे ईरान के एक बहुत बड़े जर्नल का एसेसिनेशन हुआ यूएसए ने उसका एसेसिनेशन किया तो वो एक टेंशन क्रिएट आपका हुआ है इसके अलावा कई सारे जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं खासतौर से यूएसए और यूएसए और ईरान के बीच में अगर ये पूरे तरीके से पूरे तरीके से इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इम्पैक्ट कर सकता है इस रीजन को भी ये जो रीजन है इंडो पैसिफिक का ये जो पूरा इलाका है इस रीजन को भी ये पूरा अफेक्ट कर सकता है क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो रीजन है इस रीजन पे अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है तो ये इस रीजन को भी अफेक्ट कर सकता है तो जो यूएसए चाहता है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में अपने प्रेजेंस को बढ़ाएं इंडिया जैसे देश के साथ मिलकर अपने प्रेजेंस को बढ़ाते हुए चाइना को काउंटर करें तो वो भी उनका अफेक्ट हो हो सकता है सो ज़रूरी ये बन जाता है कि जो डिसीजंस लिए गए हैं पहले भी जैसे सीरिया के अंदर ईरान के द्वारा जो सपोर्ट है जो भी मिलिट्री सपोर्ट दिया जा रहा उसको काउंटर करना ये अगर कदम उठाया जा, जाता है तो कहीं ना कहीं ईरान के साथ रिलेशन ख़राब होंगे लेकिन नहीं कदम उठाया जा सक जाता है तो ईरान का डोमिनेंस बढ़ेगा और इसराइल जो है इसराइल का जो इम्पोर्टेंस है या फिर इसराइल और यू के बीच का रिलेशन अफेक्ट आपका हो सकता है तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना यू एस की डिपेंडेंस यू का जो डिपेंडेंस है सऊदी अरेबिया में रिसेंट ईयर में वो रिड्यूस हुआ है और इवन सऊदी अरेबिया का डिपेंडेंस यूएस में रिड्यूस हुआ है यूएसए के ऊपर रिड्यूस हुआ क्योंकि इन देशों को लगता है कि खासतौर से यूएसए यूएसए का जो इन्फ्लुएंस इस रीजन में रिड्यूस हो रहा है और यूएसए को लगता है कि सऊदी और इन एरियाज में अभी ऑयल के लिए इतना जरूरत उनको नहीं है क्योंकि खुद के यहाँ भी उन्होंने कई बड़े बड़े जो सेल गैसेस और इनका रिजर्व उनको यहाँ मिले हैं तो इसलिए जो एक इंपॉर्टेंस थी वेस्ट एशिया की वो कंपरेटिवली रिड्यूस हो रही है सो so, ये कहा जाता है कि साउदीज या जो दूसरे पावरफुल देश है ये मानने लग गए हैं कि कहीं ना कहीं जो एक बड़ा रोल यूएसए का हुआ करता था वहां की जियो सिचुएशन को बदलने में वो रिड्यूस हो रहा है अब दूसरे पावर एरियाज में वो ट्रांसफर हो रहा है जैसे टर्की हो गया रशिया हो गए ये उस उस एरिया के पावर uh, सिनारियों को शेप कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट है आधार एज अ हर्डल तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा uh, कुछ चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं कि लगभग तीन करोड़ लोगों के, के पास क्योंकि आधार से अकाउंट लिंक नहीं थे तो उनका जो राशन कार्ड है उसको कैंसिल किया गया तो कहा गया कि देखो कोई भी पॉलिसी अगर आप बनाते हो तो उस पॉलिसी पॉलिसी uh, को इम्प्लीमेंट करने Uh, के लिए जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है और इसका एम क्या है कि जो क्योंकि हम एक वेलफेयर देश हैं हम एक वेलफेयर सोसाइटी हम एक वेलफेयर कंट्री है तो इस वजह से जम, जिम्मेदारी ये है कि जो डाउन रोडेड और मार्जनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके आ, आ, उनके नीड और डिमांड को हम मीट करें वो सिर्फ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे लोग भूखे रह गए बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन उनकी डेथ हो रही है तो कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जैसे अगर देखा जाए तो जो गवर्नमेंट है वो ई गवर्नमेंट की तरफ जा रही है जो गवर्नेंस है वो आपकी ई गवर्नेंस की तरफ जा रही है ई uh, गवर्नेंस e की तरफ जा रही है अब यहाँ पे देखो चैलेंज क्या हो रहा है अगर गवर्नेंस ई गवर्नेंस की तरफ जा रही है इस पर आप ये समझो कि मान लो सरकार है गवर्नमेंट है अगर वो अपने किसी फंक्शन को परफॉर्म करती है लोगों के लिए सर्विस डिलीवरी करती है तो उसे हम उस प्रोसेस को वी कॉल इट एज गवर्नेंस अगर इस गवर्नेंस को कैरी आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का इस्तेमाल होता है वी विल कॉल इट एज ई गवर्नेंस अब ये जो ई e गवर्नेंस है वेन यू टॉक अबाउट द ई गवर्नेंस पार्ट तो ये जो ई गवर्नेंस पार्ट है यहाँ पे अगर इसे अफेक्टिव होना है तो जो लोग हैं हर हर इंसान के पास जो मेनली हैं, उनके पास आ, आ, जो है डिजिटल डिजिटल जो है डिजिटल लिटरेसी होना ज़रूरी है जो डिज, डिजिटल लिटरेसी होना जरूरी है दूसरा पॉइंट कहा गया कि आ, जो डिजिटल हैव नॉट्स हैं डिजिटल हैव और डिजिटल हैव नॉट्स हैं डिजिटल हैव और डिजिटल हैव नॉट्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो दूर होना जरूरी है अगर आ, अगर यहाँ पे डिजिटल एक्सक्लूजन होगा डिजिटल एक्सक्लूज़न होगा तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग वो उन्हें गरीबी आ, में जो प्रेजेंट मतलब जो गरीबी फेस कर रहे हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है वो बहुत सारे जो बेनिफिट सरकार के द्वारा ई माध्यम से दिए जा रहे हैं वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे अगर राशन कार्ड आधार से लिंक्ड नहीं है तो इसके पीछे बहुत से रीजंस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं लोगों को भी नहीं पता कि कहाँ से करना चाहिए कहाँ से अपडेट करना चाहिए बैंक अकाउंट से कैसे लिंक करना चाहिए तो ये सब अगर टेक्निकल फॉल्ट होते हैं ऐसी सिचुएशन में जो बेनिफिट्स है स्कीम के उससे क्या लोगों को डिप्राइव रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए ये सोचने वाली बात हो जाती है तो यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स आ, आ जाते हैं इवन 2018 का जो जजमेंट है ऑनरेबल कोर्ट का उसमें कहा गया कि जो आधार प्रोग्राम है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल प्राइवेसी के रूप में है टू फुलफिल वेलफेयर रिक्वायरमेंट एंड डिग्निटी तो यहाँ पर कहा गया आधार के इंपॉर्टेंस को समझ समझा गया और इवन आधार आ, के माध्यम से गवर्नेंस Uh, को इम्प्रूव करना और जो लीकेज और करप्शन है उसको ख़त्म करना इसकी तरफ जाना लेकिन जो बेनिफिशरीज़ आइडेंटिफाइड हैं बिकॉज ऑफ़ द टेक्निकल फॉल्ट और या फिर टेक्निकल uh, जो भी रिक्वायरमेंट ना मीट हो पाने की वजह से स्कीम के बेनिफिट से जो लोग हैं जिनके लिए स्कीम है वो डिप्राइव्ड ना हो ये भी सरकार को इंश्योर करने की ज़रूरत है, 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 है बहुत सारी ऐसी स्कीम है चाहे वो पीडीएस है नरेगा है एलपीजी सब्सिडी है बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें हैं जहाँ पे आधार का नंबर जरूरी होता है और अगर आ, कई सारी इनफिशियंसी और फेलियर देखने को मिलता है जिस वजह से बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है तो यहाँ पे जो सफ़र करेगा वो मेनली पुअर होगा तो इस चीज़ को इस कंसर्न को दूर करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बन जाती है तो इन प्रैक्टिस देखा जाए बेनिफिशरीज़ हैव टेंडेड टू यूज़ आधार कार्ड्स आधार कार्ड्स को एज अ आइडेंटिटी मार्कर के रूप में इस्तेमाल करना आ, आ, पीपल लूजिंग कार्ड्स एंड बीइंग डिनाइड बेनिफिट्स अगर उनके पास वो आधार कार्ड नहीं है तो फिर उसको आ, उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता तो ऐसे प्रॉब्लम्स को दूर करना ये एक ज़रूरी पॉइंट हो जाता है ख़ास तौर से जो जेनविन बेनिफिशरीज हैं उनके लिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल दिस इज़ रिलेटेड विद चाइना एंड यूएसए तो इनके बीच में का टेंशन है हमेशा से चाहे वो ट्रेड वॉर की सिचुएशन हो उस समय भी हमने देखा और अभी प्रयास किया जा रहा है कि इनके बीच का जो टेंशन है उसको दूर किया जाए उसके लिए कदम उठाया जाए और बातचीत भी अलास्का में जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं यूएसए और चाइना के वो मीट करेंगे अलास्का में और अलग अलग इश्यूज़ पर वो बातचीत कर सकते हैं कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे वो बातचीत आपका कर सकते हैं चाहे वो 5G जी टेली कम्युनिकेशन हो तो इसी कंटेक्स्ट में ये कुछ पॉइंट्स हैं जब बातचीत होगी जब मीटिंग होगी तो वो आर्टिकल आएगा तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे तो कई सारे एरियाज हैं चाहे वो 5G जी टेली कम्युनिकेशन हो या टेक स्पाइनेज हो चाइना का जो मेरी एक्शन हो यूएस का सेंक्शन है चाइना के ऊपर तो ऐसे एरियाज़ पे डिस्कशन होगा बातचीत होगी और चाइना और चाइना की बात की जाए और यूएसए के बीच का जो रिलेशन है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए ये भी देखा जाएगा इस पर बातचीत की जाएगी कई सारे इश्यूज हैं जो यूएसए ने लगातार रेज भी किया जैसे चाइना का जो स्टेप है जीजियांग प्रोविंस ओगुर मुस्लिम्स हैं हॉन्गकॉन्ग में डेमोक्रेसी को लेके है जो चाइनीज एग्रेशन यू एस एलआई को लेके खासतौर से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो ट्रेड बैन की बात की गई है या जापान के संगकाको आइलैंड में जो एग्रेशन शो किया जा रहा है या एल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो एग्रेशन इनकर्शन देखने को मिल रहा है सो तो ये सब एक एंगल बनता है ये सारी चीजें एक डिस्कशन होगी और एक हो सकता है व्यू पॉइंट एक्सचेंज हो अगर दोनों देशों के बीच बेटर रिलेशन रहता है तो ये इंटरनेशनल पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी अच्छा बन जाता है इवन अफग़ानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान में भी यूएसए चाइना इन्वॉल्व है और रशिया भी वहाँ पे इन्वॉल्व है तो अफगानिस्तान में पीस कैसे इंश्योर किया जाए सो so ये बहुत सारे इंटरनेशनल इशूज़ हैं जो कि दोनों देशों के द्वारा डिस्कस किए जाएंगे एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आज से जोग्राफी uh, की मैपिंग सीरीज आई एम स्टार्टिंग एनअकेडमी के अंदर है ये फ्री सेशन है ठीक है ये फ्री सेशन हैं ऑलरेडी वी हैव कवर्ड जैसे हिस्ट्री न्यूज सीरीज आपकी चल रही है तीन क्लासेज हो गई है आज चौथी क्लास है ये दस बजे रात को है और ये चार बजे फोर पी को है आज माउंटेन्स पासिस और इनके कुछ फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे ये फोर पी को है तो ये ये आपकी स्पेशल क्लास है एन अकेडमी में और ये फ्री क्लास है याद रखना है तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा और इस सेशन का पीडीएफ भी आई विल शेयर इन द ग्रुप ग्रुप में आई विल शेयर द लिंक आपका एस पी करंट अफेयर नाम से ग्रुप है और दूसरी चीज है कि uh, जो लिंक है जहाँ से आप डाउनलोड करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में भी पिंड आपको लिंक मिल जाएगा आज का ऐसे टॉपिक देख लेते हैं जिसमें आपको ऐसे लिखना है 1100 शब्द लिखो एटलीस्ट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन वुमेन एम्पावरमेंट टाइम जो लेना है वो एक घंटा पैंतालीस मिनट इतना समय आपको uh, लेना है वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स है बाद में इसको रिड्यूस करके एक घंटा मतलब वन आवर थर्टी मिनट्स करना है ठीक है ऐसे लिखना रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन वुमेन एम्पावरमेंट टेक्नोलॉजी का रोल वुमेन एम्पावरमेंट में क्या है तो इसको आपको लिखना है आप अपने जो ऐसे लिखोगे उसको शेयर कर सकते हो प्रॉपरली लिखना है जैसे मान लो ये आपने ऐसा पेज है आपका इधर दोनों तरफ लाइन खींचो स्केल से ठीक है यहाँ टॉपिक लिखो और फिर लिखना शुरू करो ये देखो कि आपके एक एक पेज में कितने शब्द होते हैं आते हैं ये चीज़ थोड़ा कैलकुलेट करके आप रखना है इससे आपको आसानी भी रहेगी अपने आंसर को कंप्लीट करने में ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ऑफ द टॉपिक लिखते जा रहे हो तो वो सब देखने के लिए आपको जरूरी है कि आप प्रॉपर प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग करते रहो और आ, डेली बेसिस पर लिखते रहो सो आज के सेशन में इतना ही आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा रिक्वेस्ट यू आर लाइक जरूर करें शेयर जरूर से करें द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी फाइव एम सीरीज अपलोडेड है फाइव एम सीरीज में हम लोग डिस्कस करें तो अगर आप 2021-22 की तैयारी कर रहे हो तो वो भी आपके लिए ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें सात टॉपिक डेली बेसिस पे वी आर डिस्कसिंग तो बाद में जब आप बाईस तेईस का एग्जाम दोगे तो वहां पर वो चीजें ऑलरेडी आपकी कवर्ड रहेंगी तो बर्डन काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है और आठ बज के पंद्रह मिनट पर जो सेशन था आज फोटीन डे था वन ट्वेंटी डेज सीरीज का प्रेलम्स ट्वेंटी के लिए वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है सो आज के लिए इतने थैंक यू एवरी वन एनलेट्स क्रगे